दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बिहाइंड द सीन पे होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दिया था पिछली वीडियो में कि अभी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लाइट की समस्या अभी हमारे यहाँ हो चुकी है। 3 4 दिन से ज़्यादा हो गया लाइट नहीं आ रही है। अब लाइट नहीं आ रही तो डिस्टर्ब क्या हो रहा है, अपने काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, और दूसरी चैनल्स पर हम इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा जुगाड़ बना लिया है कि हम अपनी वीडियो दे सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या मोबाइल चार्ज करने की। मोबाइल चार्ज करने के जो बैटरी वगैरह थी मेरे पास, जो 12 वोल्ट की बैटरी थी, उनसे मोबाइल चार्ज कर ही रहा हूँ और वो बैटरी भी अभी डल हो चुकी है। दिन में थोड़ा सा रोशनी होने पे सौर ऊर्जा से किसी तरह जुगाड़ करके थोड़ा बहुत चार्ज कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कल लाइट नहीं आई तो फिर मोबाइल भी बंद हो जाएगा। फिर भी आपको बिहाइंड द सीन आपको मैं आज मैं शूट करके दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से मैं अपनी वीडियोस मतलब काम चला रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बिहाइंड मतलब किस तरीके से अपनी अदर वीडियोस को शूट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ये जो एलसीआर मीटर है इस पर हम कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू आप देख सकते हैं जिस तरीके से। तो जैसे कि एक ट्रांजिस्टर है मैंने आपको बता दिया, और वैसे हम इसका मॉस्फेट को भी टेस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये देखिएगा, एंड बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वैल्यू इसमें हम चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है गूगल का, तो उसमें भी हम आसानी से चेक करके आपको बताएंगे। तो बहुत सारे आईसी हैं और उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर है उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपने बिहाइंड द सीन देख लिया होगा और लाइक तो कर देना वीडियो को। और आपको है ना मैं लाइट का पूरा सेटअप दिखाता हूँ। फिलहाल अभी भाई जुगाड़ू तरीका है ना, करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइट तो है नहीं, काम तो हमें करना ही है, तरीका तो हम कुछ ना कुछ लगाएंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ अपना जो सेटअप मैंने बना के रखा हुआ है लाइट का। तो यहाँ पर देखिए लाइट की कैसी व्यवस्था मैंने करी है। एक तो ये मोबाइल पर मैंने लाइट जला के रखी है, और एक ये वाले, और एक जो मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है ना उस पर भी फ्लैश लाइट जल रही है। चारों तरफ से फ्लैश लाइट जल रही है तो वो अच्छा खासा यहाँ पे फोकस हो जा रहा है। बस इतना है कि यार उतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हम जब शूट कर रहे हैं तो उस वक्त इस तरीके से हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ जाती है। इस तरीके से ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो क्या है, लाइट नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, जुगाड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैंने वीडियो में अपडेट दिया है, मतलब आपको बताया है कि यार ये कंपोनेंट्स के ना इक्विवेलेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए ये ट्रांजिस्टर सर्किट में ख़राब हुआ है, तो इस ट्रांजिस्टर का ना मिल नहीं रहा है तो उसके बदले हम कौन सा लगा सकते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप देख लेना। और बहुत अच्छा आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों। आपको हमारा ये बिहाइंड द सीन वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, यानी कि 2 चैनल और हैं उनको भी सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। चलिए टेक केयर, थैंक यू।